नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, जिस कारण उसका पुत्र उसे गोद में उठाकर लेकर आया। खबर का संज्ञान लेते हुए सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि उस समय जो लोग ड्यूटी पर थे उनको चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली गड़िया कक्षपुरवा की रहने वाली शम्मा देवी पत्नी राजेंद्र कुमार अपना अल्ट्रासाउंड कराने बेटे के साथ जिला अस्पताल आई थी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब वह बाहर निकली तो वहां कोई स्ट्रेचर या वार्ड बॉय मौजूद नहीं था, जिसके चलते उसका बेबस बेटा अपनी माँ को गोद में लेकर स्ट्रेचर के लिए दर दर भटकता हुआ निकला, जिसका वीडियो कैद हुआ और खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अपनी नींद से जागा। सीएमएस शक्ति बसु ने खबर का संज्ञान लेते हुए मामले पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए और कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी इन हरकतों से आखिर कब तक बाज नहीं आते? कहीं ना कहीं कर्मचारी जानबूझकर इन सारी चीजों की कमी करते हैं, जबकि सीएमएस ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिए थे इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर और वार्ड बॉय हर वक्त मौजूद रहेगा, ओपीडी में रहेगा सारी जगह, उसके बावजूद भी यह हाल है या कार्रवाई की बात कही। कन्नौज से सिबू सैनी की रिपोर्ट। सर, जिला अस्पताल में एक बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को लेकर गोद में लेते जा रहा था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या पूरा मामला सर, क्या एक्शन लिया गया उन चीज़ों को लेकर जो लापरवाहियाँ बरती गई थी? ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसमें जो है आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि किस वक्त का है और ड्यूटी पे कौन होना चाहिए, क्योंकि हमने नियमानुसार बाकायदा स्ट्रेचर के लिए वार्ड बॉय, व्हीलचेयर के लिए वार्ड बॉय की ड्यूटीज़ पोस्ट की हुई हैं। तो ये जिस समय का प्रकरण है उस समय के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके प्रति उनको जवाबदेह बनाया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लेके अगर समुचित स्पष्टीकरण नहीं आया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैंने ख़ास तौर से ये कह रखा है कि इमरजेंसी के गेट पे और जहां ओपीडी ब्लॉक है वहां पे सब जगह स्ट्रेचर बॉय अपने हिसाब से काम करेंगे, उनकी पोस्टिंग है, तो इसमें अवश्य रूपण कार्रवाई होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।